हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीटीएस 38, जो डीसीएम टेस्ट सीरीज का डीटीएस 38 आउट ऑफ 48। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कौन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो, अपने आयंस में ब्रेक हो। देखो ये सॉल्ट है तो आयन में ब्रेक हो जाएगा, कॉमन सॉल्ट ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये नहीं होगा। इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। शुगर क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये नहीं अपने आयंस में ब्रेक होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर कौन सा हमारा चला जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट, इन एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको होते हैं? जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। देखो जी, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 एक्वस। तो इसमें कौन कौन से आयन हो सकते हैं? एक तो Na पॉजिटिव होगा, वाटर है तो अपन कम से कम ऐसे चलो लिख दिया, और सल्फेट -2 OH-1। अब एक इस पर पूछा है कैथोड पर, तो कैथोड पर इनमें से कैथोड पर क्या होना है? रिडक्शन। तो रिडक्शन इनमें से कोई होगा। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी का होगा। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है? इसका ज्यादा होता है, H प्लस का। तो H प्लस टेक्स इलेक्ट्रॉन और क्या होगा, गिव्स फॉर्म H2। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एट कैथोड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकेंड। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम। वैसे देखो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पर। और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पर। तो एक्सटर्नल सप्लाई से तो वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, बट इंटरनल सप्लाई से, इंटरनल मतलब सर्किट पूरा होना चाहिए ना ऐसे, तो किधर से आएगा? कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो इन इलेक्ट्रोलिसिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किधर से? इंटरनली। अब देखो, एक्सटर्नल में लिखा है कैथोड टू एनोड, ये तो गलत हो गया, एनोड टू कैथोड इंटरनल गलत हो गया। तो इंटरनल क्या होता है? कैथोड टू एनोड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा? थर्ड। ठीक है, हमेशा जो ऑक्सीडेशन होता है किस पर होता है? एनोड पर। रिडक्शन किस पर होता है? कैथोड पर। तो यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी इंटरनल। इंटरनल किधर से किधर जाएगा? कैथोड से एनोड, उल्टा जाएगा। द अमाउंट ऑफ आयन डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्ट। देखो, M इक्वल टू क्या होता है? ZIT, फैराडेज लॉ। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट चार्ज की भी डायरेक्ट, सॉरी करंट एम्पियर के भी डायरेक्ट, टाइम के डायरेक्ट, मतलब इनके डायरेक्ट, मतलब रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट वन, द पैसेज ऑफ करंट लिबरेट्स हाइड्रोजन एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड। तो ऐसा कौन सा हम ले सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन कैथोड पे जाए और एनोड पर Cl2 जाए? तो ये ले लो सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या क्या हमारे पास आयन होंगे? अगेन H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव,
और इधर क्या होगा, Cl माइनस OH माइनस लिख सकते हैं मान लो ऐसे। अब कैथोड पर, कैथोड पर रिडक्शन होना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा दैट इज H प्लस, प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। और एनोड पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, दैट इज Cl माइनस, Cl माइनस गिव्स Cl2 वन इलेक्ट्रॉन। तो ये काम हुआ है किस पर, एनोड पर, और वो काम हुआ है कैथोड पर। तो ये किसमें, बाकी सब में नहीं आएगा, इसमें क्लोरीन ही नहीं है तो कहां से आएगा, इसमें क्लोरीन ही नहीं है, इसमें कॉपर क्लोराइड तो है, कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर प्लस टू एच प्लस ओ एच माइनस सी एल माइनस। एनोड पर सी एल तो आ जाएगा, बट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो कॉपर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस हमें नहीं मिलेगी। आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट वन, व्हेन माल्टन आयनिक हाइड्राइड, माल्टन है, जैसे माल्टन आयनिक हाइड्राइड, जैसे मान लो सोडियम हाइड्राइड ले लिया, बट माल्टन है, मतलब इसमें कोई भी और सॉल्वेंट नहीं है, तो क्या क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और H माइनस। तो रिडक्शन किसका होगा, सोडियम का, सोडियम का रिडक्शन हुआ तो ये मिलेगा सोडियम सॉलिड, इसका होगा ऑक्सीडेशन तो ये क्या मिलेगा हमें, H2+1। हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी एट एनोड, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट एनोड। नेक्स्ट वन, ओके, 9.65 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट द अमाउंट ऑफ, तो देखो जी एजी पॉजिटिव, 1 फैराडे गिव्स एजी, एजी का मास कितना होता है, 108। तो देखो अगर आप 1 फैराडे या 96500 कूलम पास करते हो तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है सिल्वर का, 108 ग्राम। इक्वेशन तो यही बता रहा है, आपने कितना पास किया है, 9.65 कूलम, इतना कितना ग्राम होगा, 108 डिवाइड बाई 96500 इंटू 9.65, तो 9.65 को 10^-2 कर दे रहा हूं, इससे देखो ये कट रहा है और ये हो जाएगा हमारा टोटल 108 इंटू 10^-4, तो 0.0108 ऐसा कुछ आना चाहिए, नहीं आ रहा है, अच्छा मिलीग्राम में दिया हुआ है, मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 108 इंटू 10^-1 मिलीग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 10.8 मिलीग्राम, 10.8 मिलीग्राम, ये आंसर आ जाएगा, मिलीग्राम में आंसर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू, देखो आयरन 2 है, अच्छा पास थ्रू का सॉल्यूशन आयरन ब्रोमाइड, वेट ऑफ आयरन, तो देखो इजी सा है, Fe प्लस 2 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब दोगे इसको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो Fe सॉलिड बनेगा, इसका मास कितना होता है, 56, वेट ऑफ क्या पास किया है, 3 फैराडे पास किया, तो देखो अगर 2 फैराडे पास कर रहे हैं तो 56 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो 3 फैराडे कितना होगा, 3 फैराडे कितना होगा, 56 बाई 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 28 इंटू 3, 84 ग्राम डिपॉजिट होगा, यूनिटरी मेथड से सीधे सीधे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन, एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है, व्हेन करंट ऑफ 5 फैराडे सॉल्यूशन ऑफ दिस, वेट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, एल्युमिनियम कितना है, प्लस 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दोगे तो एल्युमिनियम सॉलिड। देखो बच्चे 3 फैराडे जब पास कर रहे हैं तो 27 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है,
27 ग्राम डिपोजिटर, तो 5 फराडे पास किया है व्हेन करंट, 5 फराडे से कितना मिलेगा, 27 बाय 3 इनटू 5 कितना हो जाएगा 45 ग्राम, 45 ग्राम डिपोजिट होगा। ऐसे ही नीट में आजकल तो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट वन, चलो अ करंट ऑफ करंट अ करंट अ सर्टेन करंट लिबरेटेड इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर्स, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड बाय द सेम करंट। चलो जी, तो देखो H प्लस, अगर मैं इसको चलो बैलेंस ही कर देता हूं तो हाइड्रोजन गैस मिल गया। ठीक है, देखो जी 2 ग्राम, ये 2 ग्राम आएगा मोलर मास, 2 ग्राम डिपॉजिट होगा जब जब 2 फेराडे आप पास करोगे, 2 फेराडे पास करोगे तब 2 ग्राम डिपॉजिट। तो आपको इतना ग्राम डिपॉजिट कराया है 0.5 ग्राम, 0.5 ही कर देता हूं इसको सीधा सीधा, चलो 0.50 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना फेराडे पास किया, तो 2/2 × 0.504 फेराडे। इतना मतलब इतना ही करंट पास किया था हमने, 0.504 ग्राम डिपॉजिट गैस को इवॉल्व कराने के लिए, लिबरेट कराने के लिए हमने इतना फेराडे पास किया था। अगर सेम करंट अगर इस सॉल्यूशन में पास करें तो कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, तो देखो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। अगर 2 फेराडे पास करते हैं, 2 फेराडे तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट होता है, आपके पास कितना है 0.504, कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाय 2 × 0.504, इतना ग्राम डिपॉजिट होगा, इतना ग्राम पे कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, इसके आसपास आना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए क्वेश्चन आंसर, इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सपेरिमेंट m ग्राम सिल्वर इज डिपॉजिटेड व्हेन 4 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 2 मिनट। चलो जी, सिल्वर +1 इलेक्ट्रॉन गिव सिल्वर, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो अगर 1 फेराडे या 96500 कूलम पास करते हैं तो 108 ग्राम डिपॉजिट होता है, 108 ग्राम डिपॉजिट होता है। आपने कितना कूलम पास किया है 2 मिनट के लिए 4 एम्पियर, तो 4 तो आप जानते हो Q इक्वल टू क्या होता है I × T, I एम्पियर है और T किस में होना चाहिए सेकंड, तो 4 एम्पियर × T मिनट में है तो 2 × 60, इतना अगर मैं पास करूं तो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा 108 डिवाइडेड बाय, ठीक है 108 डिवाइडेड बाय 96500 × 4 × 2 × 60, कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, कितना ग्राम डिपॉजिट इन m ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड। ठीक है, इतना ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए और उसने बोला है वो क्या है m ग्राम है, उसने बोला हुआ है देखो कि हमने भाई इतना पास किया तो इतना ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए, वो कह रहा है वो कितना है m ग्राम है, तो इसको दैट इज इक्वल टू m लिख देता हूं। अच्छा थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूं मैं, 108 डिवाइड बाय 96500 इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 8 × 60, काम आ जाएगा ये, m के फॉर्म में निकालना है ना, m के फॉर्म में निकालना है, ये एक बात हो गई पहले, तो ये हमारा आगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 6 एम्पियर, अगर 6 एम्पियर पास करो, 6 एम्पियर सिल्वर पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन सिल्वर सॉलिड,
तो 965 से 965 से 108 तो 6 एम्पियर फॉर 40 सेकेंड, 6 एम्पियर फॉर 40 सेकेंड, Q इक्वल टू I इंटू टी, 6 इंटू 40 से कितना, तो 108 डिवाइड बाय 96500 इंटू 6 इंटू 40 ये आएगा। अब आप इसकी जगह ये रख दो तो दैट इज इक्वल टू m बाय 8 इंटू 60, 8 इंटू 60 इंटू 6 इंटू 40, 6 इंटू 40, यस। तो देखो ये 0, 6 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया, m बाई 2, m बाई 2, m बाई 2 आंसर, सही है। नेक्स्ट वन, द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर ऑब्टेनिंग वन मोल एल प्लस थ्री प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एल सॉलिड। वन मोल के लिए कितना चाहिए, वन मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना चाहिए, कितना, थ्री फेराडे, या क्या हो जाएगा, थ्री इंटू 96500। सीधा सीधा क्वेश्चन ये हो गया हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना ग्राम टू डिपॉजिट, इतना ग्राम ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। देखो कॉपर प्लस टू, बैलेंस कर लो टू इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड, ये है 63.5 ग्राम। अगर हमें 63.5 डिपॉजिट करवाना है तो कितना फेराडे पास करना पड़ेगा, 2 फेराडे, जैसा कि हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रहा है। लेकिन हमें मिला कितना है, ओनली 0.635, 4 भी कर लेते हैं, तो कितना फेराडे पास करना पड़ेगा, 2 बाई 63.5 इंटू 0.6354, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं इसको, यहाँ पे 10^-2 ले लिया और ये कट लिया यहाँ से, तो कितना पास करना पड़ेगा, 2 × 10^-2 फेराडे। अब ये कूलम में दिया हुआ है, कूलम में दिया है तो 2 × 10^-2 × 96500, ठीक है। तो इसमें अब आप देख लो करके, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस करके यूनिटरी मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं फैराडेज़ लॉ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व्ड व्हेन 2 एम्पीयर ऑफ करंट 30 मिनट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो Cl माइनस, बैलेंस कर देता हूं, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 फेराडे या 2 × 96500 कूलम पास करते हैं तो कितना मिलता है, 71 ग्राम क्लोरीन। क्लोरीन का मास कितना होता है, 71। आपने कितना पास किया है, अगेन Q इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी, आई एम्पियर, टी सेकेंड, आई कितना पास किया 30 मिनट, 2 एम्पियर, तो 2 × 30 मिनट, 30 × कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, ये हो गया। तो कितना मिलेगा, कल करिए कैलकुलेशन, 96500 × 2 × 2 × 30 × 60, ये कैलकुलेशन आप बना लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये कैलकुलेशन आएगी हमारी, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कर ही सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, क्या है भाई, 4 बाई 3 ए एल प्लस
O2 gives 2/3 Al2O3। तो यहाँ एल्युमिनियम 0 है, यहाँ एल्युमिनियम +3 है। 0 से +3 गया तो 3 का चेंज, 0 से +3 गया तो 3 का चेंज, बट 4/3 हमारे पास तो 4/3 है ना, 4/3 में कितना जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 4। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब करना क्या है, द मिनिमम ईएमएफ निकालना है। डेल्टा g इक्वल टू क्या होता है, -NFE सेल। डेल्टा जी दिया हुआ है, किलो में दिया हुआ है, ध्यान रखना। -827 × 10³ जूल हो गया, माइनस एन आ गया है, 4F होता है 96500, और ई सेल तो हमें निकालना ही है, माइनस से माइनस गया, ठीक है। अब इसका फिर वही कैलकुलेशन बाकी रह गया, कैलकुलेशन ई सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 827 × 10³ डिवाइड बाई 96500 × 4। ये कैलकुलेशन आप बना सकते हैं, ये कैलकुलेशन आप कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें बस एक ही टेक्निकल पॉइंट था कि ये n कितना आएगा, n तो इजी सही है वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वन कंटेनिंग एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड FeCl2 और एक के पास है एसिडिफाइड फेरिक क्लोराइड FeCl। द रेशियो आप, अच्छा चलो तो देखो, Fe+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe और Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। द रेशियो ऑफ आयरन डिपोजिटेड ऑन कैथोड इन टू सेल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सीरीज में है, एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, सीरीज में है, सीरीज में करंट तो सेम ही जाएगी, जितना इसमें लोगे उतना ही इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ले लो, चलो जैसे मान लो 2 फेराडे से, 2 फेराडे जब पास किया हमने तो ये 1 मोल डिपॉजिट हुआ है, और यहां 3 फेराडे जब पास कर रहे हैं तो 1 मोल होता है। तो कोई एक फिक्स कर लो कि मान लो पास किया था हमने 2 फेराडे, तो 2 फेराडे इसमें भी गया होगा, इसमें भी गया होगा, 1 फेराडे कर लो तो 1 इसमें भी गया होगा, इसमें भी गया होगा, पर 2 कर लेता हूं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। अगर 2 फेराडे पास करते हैं तो 2 फेराडे इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसके 2 फेराडे से तो 1 मोल, इसके 3 फेराडे से 1 मोल, तो 2 फेराडे से कितना आएगा, 1/3 × 2, तो 2/3 मोल। तो रेशियो क्या आ गया, Fe+2 और Fe+3 वाले का डिपोजिशन का रेशियो क्या आ गया, 1:2/3, कितना आ जाएगा, 3:2 आ गया, सही है, फिक्स कर दिया हमने, ये फिक्स कर दिया करंट, क्योंकि करंट जो इतना इसमें लोगे उतना ही उसमें लेना पड़ेगा। अब आप कोई भी फिक्स कर दो, आपकी मर्जी, कोई भी करंट फिक्स, सीरीज में है तो सेम ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली कंडक्टिविटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम जब बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, ये आंसर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, The increase in equivalent conductance of an electrolyte solution with dilution क्या होता है, degree of dissociation उसका बढ़ जाता है ना, conductance, equivalent conductance, molar conductance increases on dilution because of increase in their degree of dissociation। तो degree of dissociation या degree of ionization भी बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। देखो जी, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अभी बताया था
कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उसी की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनिक भी लग गया, इसका ज्यादा होगा डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड CF2HCOH, ये है एक फ्लोरीन का और ये ले लेता हूं ये वाला CH2FCOH। तो हम जानते हैं इसका जो है वो एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है, एसिडिक, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक का मतलब है कि जब ये ब्रेक हुआ होगा तो जो ये एच प्लस दिया होगा इसका सी अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सबका कंसेंट्रेशन तो सेम है, अगर ज्यादा एसिडिक है इसका मतलब पीएच कम होगा, ज्यादा एसिडिक है इसका मतलब एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये तब एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, सी तो सेम है इसका मतलब अल्फा इसका क्या है, ज्यादा, और अल्फा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा बढ़ा इसका मतलब ज्यादा मोल ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए, और ज्यादा मोल ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए तो कंडक्टिविटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट वन, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, ये दिया हुआ है, अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब 1/ρ, 1/ρ क्या होता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1/r इनटू L/A, L/A क्या है, सेल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है 0.012, द रेजिस्टेंस ऑफ सेल 55 ओम दिया हुआ है, 55 पूछ रहा है सेल कांस्टेंट, मतलब L/A की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो L/A कितना हो जाएगा, 0.012 इंटू 55, ये आ गया आंसर, हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूज्ड टू मेक अ फ्यूल सेल, तो ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी बोल सकते हैं इसको, कि जब H2 और O2 कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है, पर ये फ्यूल सेल का कंपोजिशन है, लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है और साथ में इसका यूज भी कर लेते हैं एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, वो वाटर का यूज भी कर लेते हैं पीने में या बाकी चीजों में, ठीक है, ये फ्यूल सेल का है, ये फ्यूल सेल का मुझे एनसीईआरटी में भी दिया होगा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज नॉट कॉल्ड एनोड रिएक्शन, एनोड पर क्या होना चाहिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमें कह रहा है कौन सा एनोड रिएक्शन, मतलब कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, सीधी सी बात है, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लिया है कि नहीं लिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन माइनस से जीरो में चला गया प्लस से प्लस, तो ये हमारा एनोड का रिएक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज रिडक्शन प्रोसेस, और रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर होता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है, इजी सा है, आप ये जानते हो कि ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यू, एंड एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम्स जीरो, और क्यू किसके बराबर हो जाता है, केसी या केपी या केएसपी के बराबर हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर, ये जीरो हो गया, तो ई नॉट सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ, जैसा कि ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं ले कर रहा हूँ केसी, ये हो गया। अब ऐसा देख लो कहाँ पे, ये आ गया हमारा,
ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट यूज्ड टू, तो सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए जो सॉल्ट हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज, उसके लिए कंडीशन क्या होता है? देयर आयंस मस्ट हैव सेम आयनिक मोबिलिटी, ऑलमोस्ट सेम आयनिक मोबिलिटी, ताकि दोनों कंपार्टमेंट सेम टाइम पर न्यूट्रलाइज हो जाए, सो दैट इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। तो इसमें दोनों की वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, तो ठीक है ये आंसर, ताकि सेम टाइम पर वो कैथोडिक एनोडिक पार्ट में पहुंचे, सेम टाइम पर जो हमारा सेल क्या हो, न्यूट्रलाइज हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी सा ही है, देखिए CH3COONa, अगर मैं इसमें HCl डाल दूं, ये बनाएगा, सभी के मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस सभी का दिया हुआ है, CH3COONa का है लास्ट में बिल्कुल है 91, HCl का सेकेंड पर है 426, HCl 426.16, NaCl का है 126.45, तो इसका आपसे पूछ रहा है, सीधा सीधा सा हो गया, दिस प्लस दिस इक्वल टू इसका मोलर कंडक्टिविटी प्लस दिस, क्या हो जाएगा, मोलर इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, 426.16 प्लस 91 माइनस 126.45, ये आ जाएगा सीधा सीधा सा है। आयन बनाकर आपको करने की जरूरत नहीं है, बुक्स में तो इनके आयन बनाता है, फिर उसको काटता है, तब जाके आंसर आता है, ठीक है, तो आप तो डायरेक्ट ही कर लेना इस तरह से सेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जिंक जिंक प्लस टू इलेक्ट्रोड्स इज डाइल्यूटेड टू 100 टाइम देन द चेंज इन ईएमएफ, डाइल्यूटेड टू 100 टाइम देन द चेंज इन ईएमएफ, देख लो, तो पहले क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग, ये देखो क्या दिया हुआ है, जिंक प्लस टू से प्लस टू इलेक्ट्रॉन से जिंक, क्या आ जाएगा, 1/zinc+2, ये आ गया, ये फर्स्ट हो गया, एन की वैल्यू 2 है, ये फर्स्ट हो गया। अब आप देखो M1V1 इक्वल टू क्या होता है, M2V2, ठीक है, मान लेते पहले कंसेंट्रेशन C1 था, वॉल्यूम V1 था, अब डाइल्यूट कर दिया कितना, 100 टाइम्स 100 ऑफ V1, ये कट जाएगा, तो C2 कितना आ जाएगा, C1/100, C1/100, तो मान लेते हैं ये C1 था, ये क्या था, C1, C1/100, तो अब देखो, तो E cell डैश कर देता हूँ, ये तो कांस्टेंट रहेगा, E not cell माइनस 0.059, ये 2 ही रहेगा, log 1/C2 आ गया, ठीक है, या E not cell इक्वल टू मतलब 0.059 डिवाइड बाय 2, 0.059 डिवाइड बाय 2 log 1/C2 की वैल्यू कितनी आई है, C1/100, ये इक्वल टू कितना हो गया, E not cell माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 log ऑफ 100/C1, C1, ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसमें काम पड़ेगा इसका, तो देखो अब आप, ओके, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, तो 2-1 कर लो चाहे, 2-1,
टू माइनस वन, तो ई सेल डैश माइनस ई सेल इक्वल टू, ये ई सेल डैश था हमारा ना, ई सेल डैश कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग 100 बाय c1 माइनस, माइनस कर रहा हूं ये वाला लिखो e नॉट सेल, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग 1 बाय c1, ये तो कट लिया ठीक है, अब क्या आ रहा है बोलो, तो ये कितना आ रहा है हमारा माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 100 बाय c1 माइनस, सॉरी ये प्लस बचा, प्लस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 1 बाय c। अब आप देखो इसमें, अब मैं इधर वाला थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, एक बार आप देख सकते हो इसको, इधर मिटाना पड़ेगा मुझे, ओके। तो अब आप जानते हो लॉग a बाई बी कितना होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, तो मैं अगर इसमें से 0.059 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना आ गया माइनस लॉग ऑफ 100 बाय c1, एक मिनट रुको, अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, और करके मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग 1 बाय c1 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 100 बाय c1, अभी सही है, तो इसमें 0.059 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लो, तो लॉग ऑफ 1 बाय c1 माइनस लॉग ऑफ 100 बाय c1 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो ये डिवाइड में ले लो उस कंसेप्ट से, 0.059 डिवाइड बाय 2 log of 1 by c1 divided by 100 by c1, ये देखो कट जाएगा ठीक है, तो ये कितना आ गया 0. ठीक है, ये कितना आ गया 0.059 divided by 2 log of 1 by 100, तो इसको अपन कर सकते हैं 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2। अब देखो ये माइनस आएगा इधर, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 0.059 ये आ गया, माइनस 0.059, खूब पूरा कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं ताकि और भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो तो आप कर सकते हैं। अब आप देखो तो ई सेल डैश माइनस ऑफ ई सेल इक्वल टू कितना आ गया माइनस 0.059 ठीक है, तो ई सेल डैश कितना हो जाएगा, ई सेल माइनस 0.059 माइनस 0.0 डिक्रीज कर जाएगा, कितने से ई सेल डैश इक्वल टू डिक्रीज कर जाएगा इतने से। अब बैक आते हैं देखते हैं क्या था, डिक्रीज बाय मिली वोल्ट दिया हुआ है, मिली वोल्ट डिक्रीज बाय इतना मिली वोल्ट, इसको मिली में बदलोगे तो 59 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वोल्ट आया 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये डिक्रीज बाय माइनस हो गया ना यहाँ पे, डिक्रीज बाय 59 मिली वोल्ट डिक्रीज बाय, ओके।
ये प्रूफ कर दिया पूरी तरह से हमने इसको। देखो कितनी कैलकुलेशन थी बाकी। चलते नेक्स्ट पर, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक से इतना और इसका, दोनों का देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। तो E नॉट सेल पूछ रहा है, E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन। तो एक का रिडक्शन होना चाहिए और एक का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, अगर फुल सेल बनाना है तो उसी का रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, बाकी दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन पोटेंशियल देखो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसका तो सेम ले लेंगे वैल्यू 0.799 प्लस 79 है रिडक्शन हो, हमें रिडक्शन यहाँ चाहिए और रिडक्शन का दिया भी होगा। अब जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो इसका रिडक्शन, तो इसका तो भैया ऑक्सीडेशन दिखाना पड़ेगा ना, और दिया क्या है रिडक्शन का, तो उल्टा करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0.763 दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, प्लस में ही आंसर आएगा, ये 1.56 के आसपास आना चाहिए। ओके ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ, ये दिया हुआ है, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास है। अब हम जानते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। पूछा क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसका सबसे कम है, इसका, इसका सबसे कम है, मतलब इसी में कोई रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इस स्पीशीज का तो रिडक्शन हुआ है, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका न होके किसका होगा, इसका होगा ना, इसलिए आंसर कौन सा चला जाएगा फर्स्ट। सबसे पहले तो देख लिया रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका, जिस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, और जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन तो होगा ना, ऑक्सीडेशन तो जब भी होगा तो इसका होगा उल्टा, अरे यार ये रिडक्शन है तो उल्टा होगा ना ऑक्सीडेशन, तो ये स्पीसीज इसका बिहेव किस तरह से बिहेव करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, चलो इसमें तो रिडक्शन पोटेंशियल भी दे दिया है, द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा सबसे पहले वो कैथोड पे जाएगा, सबसे पहले वही डिपोजिट होगा, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा सबसे पहले वो डिपोजिट होगा। देखो वैसे एक थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की, देखो यहाँ पे लिखा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है, दिया क्या है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा ये चार्ज यहाँ पे सही करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है ना, जैसे ये एजी से एजी पॉजिटिव लिख दिया ना, इसको ऐसे होना चाहिए ना, एजी पॉजिटिव से एजी ऐसे, ठीक है, तो इस फॉर्म में होना चाहिए, कॉपर प्लस टू से कॉपर। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, Mg प्लस टू से Mg, Hg प्लस टू से Hg, इस तरह से, तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सभी का बोला यहाँ पे देखो बोला स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल आर द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट ब्रैकेट में क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन दिखाना चाहिए था ना यहाँ पे, तो कुल मिला के ये तो पता लग गया कि सभी रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, सभी रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए, और जिसका थोड़ा सा ये टेक्निकली इसको ऐसे लिखना चाहिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये कैसा सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंटेनिंग, सोल्यूशन कंटेनिंग वन मोल पर लीटर ऑफ इच, मतलब वहां वाटर भी है, मतलब वहां पे वाटर भी है, एक कुछ नहीं दिया तो एक का सोल्यूशन ही लेंगे, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले डिपोजिट होगा, सबसे ज्यादा किसका है, सिल्वर का, फिर उसके बाद किसका है, मरकरी का,
फिर उसके बाद है कॉपर का। तो सबसे पहले तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, फिर मरकरी होगा, फिर कॉपर होगा। अब वैसे तो यहां इसका आंसर आना चाहिए फर्स्ट, बट आंसर है थर्ड। रीजन क्या है कि जब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल देखो माइनस में है, और H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल एज्यूम टू बी क्या होता है, जीरो। तो भाई साहब ये पहले डिपॉजिट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और इससे पहले तो कौन डिपॉजिट होना शुरू होगा, कौन लिबरेट होना शुरू, H प्लस लिबरेट, H प्लस जाएगा कैथोड पर, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना शुरू हो जाएगी, मैग्नीशियम का नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल तो H प्लस से भी क्या है, कम है। तो मैग्नीशियम से पहले कौन जाने लगेगा, हाइड्रोजन, H प्लस जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए आंसर जो है वो तीन ही दिया है, ये तीन ही होंगे, ये मैग्नीशियम साथ में नहीं आएगा। ओके कोई रिएक्शन यहां दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल M1, M2, M3 का ये रिस्पेक्टिव, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूसिंग पावर उनका कम होता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। सबसे कम रिडक्शन, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, M2 का है। देखो M2, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, M2 का होगा। तो भाई आंसर ही आ गया इससे सीधे, यस, तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको। इसमें देखो EMF ऑफ द सेल E0 इसका और इसका दिया हुआ है, तो आप जानते हो E cell इक्वल टू क्या होता है, E0 ऑफ सेल -0.059 डिवाइड बाई N log ऑफ क्यू। ओके देखो अब आप देखो इसका तो रिडक्शन होगा, तो ये मैं लिख दे रहा हूं अभी, पहले Au +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Au। अब यहां पर देखो ऑक्सीडेशन होगा, तो Ni से Ni +2 इलेक्ट्रॉन, अब ये बैलेंस भी होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो अब कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाइड है, 2Au +3 +6 इलेक्ट्रॉन ना +2Ni सॉलिड गिव्स 2Au +3Ni +2 +6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन गायब। N की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब Q मैं लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्री। अब देखो ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है तो आएगा नहीं, तो इधर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट निकल +2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय Au +3 के पावर कितना हो जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं, अब दोनों का कंसंट्रेशन तो यार सेम ही दिया हुआ है 1:1, तो 1 करोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, तो log क्यू, तो E cell इक्वल टू E0 cell -0.059 डिवाइड बाय 6 log of 1, log 1 कितना होता है, 0, ये वैल्यू तो पूरी क्या हो गई, 0। तो E cell किसके बराबर आ गया, E0 cell के बराबर आ गया। अब हमें E0 cell बस पता करना है, E0 cell निकाल लेते हैं, तो E0 cell कितना आ जाएगा, E oxidation plus E reduction, oxidation हमें ऑक्सीडेशन चाहिए निकल से निकल +2 का, जबकि दिया क्या है, देखो रिडक्शन, दिया किसका है, रिडक्शन का, तो इसका ऑक्सीडेशन उल्टा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 0.25 प्लस। अब हमें एक रिडक्शन का चाहिए, रिडक्शन, तो इसमें देखो रिडक्शन ही हो रहा है, देखो रिडक्शन का साइन सेम रहेगा 1.5, तो क्या हो जाएगा 1.75, दैट इज इक्वल टू 1.75 प्लस में आ जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, लेस देन 1,
क्या के क्या होना चाहिए ग्रेटर देन वन, ई नॉट सेल क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा कहां पे है भाई, ऐसा कहां पे है जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव, ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट आ गया। आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जब ये पॉजिटिव होगा तभी तो होल नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव तभी तो आएगा, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट ऑल्सो इक्वल टू 2.0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ के सी माइनस में, ठीक है। ठीक है, क्यों तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज क्या होता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 0.059 डिवाइड बाय एन सॉरी 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू। तो एट इक्विलिब्रियम पे ये तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, अब इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर लो तो क्या आएगा 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ केसी। तो ये अगर नेगेटिव में लाना है तो ये पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो आ गया कुल मिला के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ अच्छा, तो देखो इसका हाफ का पूछा है, OCl- से Cl2 का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको सेट कर लो, देखो दिया क्या है OCl- से Cl- और क्या दिया है Cl- से हाफ Cl2, ठीक है। और हमारा टारगेट इक्वेशन क्या है, टारगेट इक्वेशन हमारा क्या है OCl- से हाफ Cl2, OCl- से हाफ Cl2। इसको अगर मैं ऐड कर दूं अगर, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसका ले लेते हैं दोस्तों डेल्टा G1 दैट इज इक्वल टू माइनस n, n इसका कितना आएगा प्लस 1 से माइनस 1 मतलब 2f e इसका दिया हुआ है। OCl- से Cl- का कितना दिया है 0.94। उसी तरह से डेल्टा G2- इसका कितना आएगा माइनस 1 से 0 1 आ जाएगा 1f इसका दिया है माइनस 1.36। तो ये कितना हो जाएगा f इंटू 1.36 ये आ गया। और इसका जो डेल्टा g हमें निकालना है दैट इज माइनस n कितना आएगा प्लस 1 से 0 1 ही आएगा, प्लस 1 से 0 1 आएगा 1f e सेल ये हमें निकालना है। तो ऐड कर दो इसको, तो जब ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा f, देखो जब ऐड करोगे तो ये f तो कट जाएगा देख लेना चाहे आप निकाल के। तो आगे हमारा क्या माइनस ऑफ ई सेल इक्वल टू टू इंटू माइनस टू इंटू 0.94 ये आ गया प्लस f से तो कटे गया 1.36 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो e सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करो 1.88 माइनस आ जाएगा 1.36 प्लस में आंसर आना चाहिए, प्लस में कितना आ जाएगा कितना 0.52 वोल्ट ये आ जाएगा। डेल्टा जी से निकलेगा, डायरेक्ट ऐड मत कर देना, डायरेक्ट ऐड तब करते हैं जब हाफ का दिया और फुल रिएक्शन का पूछ रहा हूं, जबकि पूछा किसका है हाफ का ही पूछा है। देखो प्लस से क्या गया है जीरो में मतलब रिडक्शन, सिर्फ रिडक्शन का ही पूछा है। ऐसे रिएक्शन का पूछा होता जिसमें रिडक्शन ऑप्शन, फुल सेल का अगर पूछता तो फिर डेल्टा जी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ई सेल से कर सकते हैं प्लस माइनस करके, ओके। लेकिन हाफ का दिया और हाफ ही का पूछ रहा है तो आपको डेल्टा जी से ही निकालना पड़ेगा।
नेक्स्ट रेडॉक्स दिया हुआ है, कॉपर ये, ई सेल भी दिया है, तो ई सेल फॉर द रिएक्शन, चलो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 1.1 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको सेट कर लो, 2 का ही चेंज आएगा, लॉग ऑफ क्यू, क्यू हमें रखना है, तो क्यू क्या आएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मतलब 1 बाय कितना आ जाएगा 0.1। तो ये कितना आ गया 1.1 माइनस, ये देखो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 हो गया, तो कितना आ गया 0.059, ये 10 टू द पावर माइनस 1 पावर ऊपर चला गया, तो 10 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 2, ये हमारा क्या आ जाएगा इस 3। यस, अब आप देख लो कितना आ रहा है, 1.07 के आसपास आना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरह से ये भी है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इतना। अच्छा, ये ई सेल दिया हुआ है, दैट इज ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय, देखो जी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, लॉग ऑफ q, q कर लेते हैं, q देखो ये ये प्रोडक्ट के साइड होगा, जिंक प्लस 2 प्रोडक्ट के साइड होगा, और ये रिएक्टेंट मतलब एनोड अपॉन कैथोड भी अभी तो कैसे कर सकते हो, एनोड अपॉन कैथोड 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, लॉग 10, लॉग 10 टू द पावर 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अच्छा, ई सेल दिया हुआ है, ई सेल कितना हमारा है 0.2905 इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 किया जाएगा, ठीक है। ये ऊपर करोगे 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 1 आएगा, यही आ जाएगा। E सेल पहले तो हमारा, अभी तो E सेल आया है, E सेल आ गया कितना 0.2905 प्लस 0.059 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारा, ये आया है अभी तो, ठीक है। ये हमारा E नॉट सेल आया है, E नॉट सेल। अब आगे की कैलकुलेशन क्या है, आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, E not sell equal to क्या होता है 0.059 divide by 2 हो जाएगा एक तो, और log of KC, E not sell कितना हमारा है, अब इसको calculate करना 0.2905 plus 0.059 divide by 2 into 2 into 2 और divided by कितना हो जाएगा 0.05, that is equal to log of KC, yes, ये आएगा हमारा। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो a आ गया, ये पूरी वैल्यू मान लो a है, ये पूरी वैल्यू मान लो a है, तो a equal to कितना आ गया log of KC, तो एंटी लॉग लोगे तो क्या आएगा KC equal to base 10 है, जो भी होता है इधर 10 टू द पावर ए, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप इस वाले को सॉल्व कर लेना, बस इस ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये तो उसी फॉर्म में रहेगा, चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करके 10 टू द पावर में चढ़ा देना है बस, ओके। चलो जी इधर देखो, अब ये क्या पूछा है, देखो ई सेल दिया हुआ है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। ई नॉट सेल दिया हुआ है 0.79, ऑक्सीडेशन का तो हमें निकालना है। अच्छा देखो, निकालना हमें किसका, इसका ना, I2 से I- का पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है? आई टू से आई में एक पॉइंट देखो आप, इसमें इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन की जगह तो रख देते हैं भाई, रिडक्शन ही दिया भी हुआ है, तो 1.33 ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन निकालना है हमें प्लस, तो देखो कितना आ जाएगा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वल टू 0.79 माइनस 1.33, ये हो गया। अब आप देख रहे हो कि चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, 1.33 0.79, ठीक है, ये हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 0.54। ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन 0.54 आ रहा है, 0.54, और ऑक्सीडेशन का हमें चाहिए भी, ठीक है, नहीं हमें क्या चाहिए, अच्छा ऑक्सीडेशन आया है 0.54, ऑक्सीडेशन कितना आया 0.5, मतलब कि I माइनस से I2 की वैल्यू कितनी आई है 0.54, सॉरी, ये नेगेटिव में भैया, ये नेगेटिव में आया, नेगेटिव में, हाँ ठीक है, ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आया, I माइनस से I2 की वैल्यू कितनी आई है माइनस 0.54, बट हमें क्या चाहिए I2 से I माइनस, उल्टा चाहिए, सो I2 से I माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 0.5, हमने ऑक्सीडेशन के लिए निकाला है, मतलब I माइनस से I2 का निकाला, जबकि चाहिए क्या हमें I2 से I माइनस, साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, देखो दोनों आंसर दिया हुआ है, दिक्कत हो जाएगी, सो आंसर इज फोर। नेक्स्ट, ये अभी बता दिया था डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, माइ एक्सप्रेशन इज करेक्ट माइनस एन एफ ऑफ सेल, बाकी सब गलत है। कोरोजन इज क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोलिटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिला, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी, सो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिला, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। गैस X at 1 atmosphere is bubble through a solution containing a mixture of 1 my z, the reduction potential दिया हुआ है, z y x का reduction potential दिया हुआ है। अब देखो इसका reduction potential ज्यादा, मतलब ये सबसे अच्छा oxidizing agent है, मतलब z oxidize कर सकता है y को भी और x को भी, y जो है वो oxidize कर सकता है x को but z को नहीं कर सकता। अब y के term में answer दे, तो y will oxidize x but not z, y will oxidize x but not z, जिसका reduction potential ज्यादा वो अपने से कम वाले reduction potential को क्या करता है, oxidize करता है। Next, chemisorption, chemisorption क्या होता है, just settle down होता है adsorbate पर, settle down by a chemical bond, settle down हुआ और उनके बीच में क्या बन जाए, chemical bond, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से केमीजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है, इट इज सिंगल लेयर्ड फिनोमेनन एंड इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर, तो ऐसा कुछ देखो है केमीजॉर्प्शन, इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर, वीक तो होता नहीं, डिक्रीज ऑन एनी, गलत है, इन्वॉल्व मल्टी लेयर, इट इज सिंगल लेयर्ड फिनोमेनन, आंसर कौन सा हो जाएगा, इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट वन, वुड चारकोल इज यूज्ड टू डीकलराइज द शुगर बिकॉज ऑफ एडसॉर्ब्स कलर मटेरियल, एडसॉर्ब नहीं, एडसॉर्ब, वुड चारकोल को चीनी में भी डालते हैं, व्हाइट कलर की बिल्कुल हो जाती है ना, बहुत सारी चीनी देखोगे येलोइश कलर की होती है, बहुत ज्यादा व्हाइट होती है, तो उसमें चारकोल ही डालते हैं, वो क्या करता था, उन कलरिंग मटेरियल को क्या करता है, एडसॉर्ब कर लेता है, इससे उनका कलर ज्यादा फेयर दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो एडसॉर्ब द कलर मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एडसॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सर्फेस बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो कौन सा होगा, फिजीज ऑप्शन होगा, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स जब होता है, दैट इज केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म हो जाता है एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेट बीच में, तो वो वाला एडसॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, केमीजॉर्प्शन, तो अभी तो हो गया क्या, फिजी, फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिजीजॉर्प्शन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, तो अब आप जानते हो x by m equal to क्या होता है, k p के पावर 1 बाई n, लॉग के फॉर्म में पूछा है, लॉग x बाई m,
फ्रीउंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रीउंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म 1/n log ऑफ p। अब log x by m वर्सेस log p, y इक्वल टू c प्लस m x, स्लोप हमारा क्या आएगा 1/n। स्लोप पूछा हुआ है, स्लोप क्या रहा है हमारा 1/n। ये वाला देखो क्वेश्चन, इतना ml हमारे पास, आप जानते हो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, मोल होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम मोलैरिटी कितना है इसका 1, वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा 0.05, दैट इज मोल इनिशियल, इनिशियल मोल हमारे पास इतने थे, इनिशियल मोल हमारे पास इतने थे। अब इसमें चारकोल डाल दिया गया और फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल फाइनल मोल, मोल फाइनल जो बचे हैं वो कितने हमारे पास है, कंसंट्रेशन 0.5, वॉल्यूम रिमेन सेम 0.05। तो कितना मोल एडसॉर्ब हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, एडसॉर्ब मोल, एडसॉर्ब्ड मोल्स, तो कितना हो जाएगा 0.05 माइनस 0.5 इंटू 0.05, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 0.05 इंटू 0.05, इतना आ जाएगा, इतने मोल एड्सॉर्ब हुए, इतने मोल एड्सॉर्ब हुए। तो कितने ग्राम एड्सॉर्ब हुए, ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड मोल इंटू मोलर मास क्या होता है, ग्राम आ जाएगा 0.05 इंटू 0.5, मोलर मास इसका दिया है 126, तो कितना हो जाएगा 0.05 इनटू 63, ये आ गया। पॉइंट जीरो फाइव इंटू 63 इतना आएगा, इतना ग्राम, हाँ अच्छा, इतना ग्राम एड्सॉर्ब हुआ था, कितने ग्राम चारकोल पर, 0.5 ग्राम चारकोल पर, 0.5 ग्राम चारकोल पर इतना ग्राम एड्सॉर्ब हुआ, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम चारकोल पर कितना ग्राम एड्सॉर्ब हुआ है 0.05 इंटू 63 ग्राम। अब आपसे पूछा है पर ग्राम, बताओ पर ग्राम पे कितना चारकोल, कितना एड्सॉर्ब होता है, 1 ग्राम पे कितना होगा 0.05 डिवाइड बाय 0.5 इनटू 63, तो कितना आ जाएगा 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम दिया है, 6.3 ग्राम उस पर क्या हुआ रहा होगा, एड्सॉर्ब हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जिस एक्सटेंट से फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है उसी एक्सटेंट से बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम उसका चेंज नहीं करता, द कैटलिस्ट इन्फ्लुएंस द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन इन द सेम एक्सटेंट, सेम एक्सटेंट के साथ उसका फॉरवर्ड भी बढ़ाएगा और क्या करता है रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ाएगा, एंड डिक्रीज द इट्स एक्टिवेशन, डिक्रीज द एक्टिव बाय बाय डिक्रीजिंग द By decreasing the activation energy, activation energy पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, तो forward की भी activation energy कम हुई, backward की भी उतनी ही कम हुई, तो जितना forward, तो जब activation energy दोनों की same extent से कम हो रही है तो दोनों side का rate of reaction भी क्या होगा same extent से भागेगा। Next question, इसमें देख लो H2SO4 catalyst का काम करता है, in this reaction dilute H2SO act as a होमोजेनस कैटलिस्ट, क्योंकि जिस स्टेट, जिस फिजिकल स्टेट में ये है उसी फिजिकल होमोजेनस कैटलिस्ट, इजी सा है ये सब। यस, द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इन कैटलाइजिंग अ रिएक्शन इज ड्यू टू इट्स कैपेसिटी टू लोअर, एंजाइम क्या होते हैं कैटलिस्ट होते हैं, अभी तो बताया था कैटलाइज करते हैं बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, बैरियर कम हो जाएगा, बैरियर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, पहले एक्टिवेशन एनर्जी था इतना था कैटलिस्ट डाला एक्टिवेशन एनर्जी कम,
अब जल्दी से जंप मार जाएगा ना रिएक्टेंट इसमें प्रोडक्ट में, बैरियर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये लिखा है टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व कैटलिस्ट। कॉन्टेक्ट में यूज करते ही है, ऑस्टवाल्ड में भी, हैबर में भी, थर्माइट प्रोसेस में कोई, थर्माइट प्रोसेस हमने पढ़ा होगा मेटलर्जी में, ठीक है, उसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज, तो रिमेंबर इट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, TiCl4 ट्राइएथाइल एल्युमिनियम, ये होता है TiCl4 प्लस ट्राइएथाइल एल्युमिनियम, इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, बड़ा ही फैक्चुअल टाइप के भी क्वेश्चन सरफेस से आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लायोफोबिक। लायोफोबिक इट कैन बी इजिली सॉल्वेटेड। लायोफोबिक जो होते हैं वो सॉल्वेट कहाँ होते हैं जल्दी ना, इट कैन बी इजिली सॉल्वेटेड। इजिली सॉल्वेट तो कौन होता है, लायोफिलिक होता है, लायोफिलिक हैविंग एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, इट डज नॉट हैज एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन। इट कैन बी इजिली सॉल्वेटेड, ये तो गड़बड़ हो गया। इट कैरी चार सही है। कोएगुलेशन ऑफ दिस सॉल इज इरिवर्सिबल, हाँ, जब कोएगुलेट हो जाता है ना, जैसे मान लो कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो कोएगुलेट हो गया तो वापस थोड़ी ना आएगा। इट इज लेस स्टेबल इन सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, वही बात है, एक ही बात नहीं। तो स्टेटमेंट नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इट कैन बी इजिली सॉल्वेटेड। इजिली सॉल्वेटेड कौन होगा, विच हैज एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, और एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम जो रहता है वो किसके लिए रहता है, लायोफिलिक सॉल के लिए होता है, नॉट लायोफोबिक। ये गलत था हमारा। AH2S3 क्या होता है, AH2S3 क्या होता है, नेगेटिव, अच्छा लिखा ही है, हैज नेगेटिवली चार्ज कैपेसिटिव। तो जो नेगेटिवली चार्ज सॉल होते हैं उनको अगर आपको कोएगुलेट करना है तो क्या डालना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज विद हायर वैलेंसी, पॉजिटिव पर हायर वैलेंसी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में +3, ये देखो सोडियम +1, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, तो ये आंसर। नेगेटिव को कोएगुलेट करना है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव को कोएगुलेट करना है तो नेगेटिव डालो विद हाईएस्ट वैलेंसी या कैरीज हाईएस्ट चार्ज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन कोएगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH2, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्व, पॉजिटिवली चार्ज सॉल, मतलब इसको कोएगुलेट करना है तो इसमें क्या डालना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज विथ हाई नेगेटिव चार्ज वाला। तो हाई नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, इस पर -1 है, इस पर -1 है, इस पर -2 है, और इस वाले पर कितना है, -3, ये वाला अपन डाल देंगे। हार्डी शुल्ला आपको पता होगा, हार्डी शुल्ला के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम और zigzag motion of the colloidal particle in the dispersion medium is referred to as zigzag motion, colloidal particle जो करते हैं उस phenomena क्या बोलते हैं, Brownian moment, Brownian moment, very much easy. The purification of colloidal particle from the crystalloid dimension through the semi-permeable called as dialysis. क्रिस्टलाइट डायमेंशन में जब होता है तब करते हैं, और उससे बहुत कम, बहुत अगर हमें बहुत ही इम्प्योरिटी, बहुत ही माइन्यूट, वेरी स्मॉल साइज की है तब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज ड्यू टू द चार्ज ऑन देयर पार्टिकल, अ लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ये सही है, अ लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन देयर पार्टिकल, क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है, लायोफिलिक जो होता है वो डिस्पर्जन मीडियम से इंटरेक्ट करता है, तो जैसे ये लायोफिलिक सॉल है तो इसको क्या कर लेता है, वो घेर लेता है। अब चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बाहर से आएगा तो वो उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, अंदर चार्ज है बट होल पे चार्ज नहीं है, बिकॉज ही इंटरेक्टेड विद द डिस्पर्जन मीडियम। तो हमें नेट चार्ज क्या मिलता है, जीरो, बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है उसको कोई चार्ज से इंटरेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका कोएगुलेशन नहीं होता है, तो स्टेबल फॉर्म बनी रहती है उसकी, the layer of dispersion medium on their particle. Next one, milk is a colloid in which liquid होता है ना, a liquid is dispersed in liquid, famous question है।
स्मोक इज द सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, क्या होता है सॉलिड डिस्पर्स इन गैस। ये आपको देखोगे एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, स्मोक, फॉग, एरोसॉल, इमल्शन, इन सब का आपको याद करना पड़ेगा कि उसके लिए डिस्पर्जन मीडियम क्या है और डिस्पर्स फेज क्या है, जरूरी है ना, जरूरी है तभी बात बनेगी। नेक्स्ट वन, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, ये भी एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन है। फ्लोक्यूलेशन वैल्यू का मतलब कि कितना मिनिमम मिली मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट डालें कि जो गिवेन सॉल है वो क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए। फ्लोक्यूलेशन मतलब कोएगुलेशन, तो मिली मोल पर लीटर कितना हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है बाहर से उस सॉल को क्या करने के लिए, कोएगुलेट करने के लिए या प्रेसिपिटेट करने के लिए, तो मिली मोल पर लीटर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अप्रोक्सीमेट 1 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तो 10^-10 मीटर से 10^-7 मीटर, तो इसके क्लोज जो हो वो ले लो। इसके क्लोज कौन सा है, ये वाला है, फर्स्ट है, ठीक है। तो ये सारा था हमारा डीसीएम का सॉल्यूशन। बहुत ही जिस तरह का आजकल पेपर आ रहा है हमारे नीट एग्जाम में इधर, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है ये वाला, उसको ध्यान में रखते हुए ही इसको पेपर को बनाया गया था, ठीक है। तो काफी भर के बिल्कुल नंबर आने चाहिए इसमें आपके, मतलब इसमें 60 क्वेश्चन अगर है तो इसमें आप समझ लो कि मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन का स्कोप है कि गलत हो जाए आपका ना, अदरवाइज फुल में फुल आना चाहिए, ठीक है, और आया भी होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।